Okay, chalo, let's get started. Now, the ratio between two trains is 7 is to 8. So, what is this question? The ratio between two trains, unki speed ka ratio aapko diya hai. If the second train runs 400 km in 4 hours, then the speed of the first train, theek hai? तो बहुत ही बेसिक सवाल है, एक बच्चे का डाउट है ये, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेशियो का कंसेप्ट है. व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो बेटा, ठीक है, आप प्लीज़ मेरा रेशियो वाला वीडियो देखना, मैंने रेशियो वाले कॉन्सेप्ट में क्या कहा है. मैंने कहा है हमेशा टेक कॉमन मल्टीपल, ठीक है. सो व्हाट इज़ गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या है, पहले हम लोग गिवन लिखते हैं. व्हाट इज़ गिवन टू अस, स्पीड्स गिवन टू अस, ठीक है. तो स्पीड ऑफ ट्रेन वन एस वन इज टू एस टू, ऐसे लिखता हूँ मैं. कितना दिया है, 7:8, ठीक है. सो नाउ व्हाट यू विल से, नाउ यू विल से लेट्स कॉमन मल्टीपल, लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स. सो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रेन वन, दिस विल बी 7x, एंड व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रेन टू, इट विल बी 8x. ओके, so now if the second train runs, see in the case of second train, ठीक है, जो train 2 है, second train के case में आपको क्या क्या चीज़ें given है. distance is given to you, distance is how much, 400, ठीक है, it is given बेटा, देखो 400 किलोमीटर, and time is given to you, time is how much 4 hours. so what will happen, train 2 के case में distance भी दिया है, time भी दिया है. सो डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर एंड टाइम इज 4 hours. सो स्पीड ऑफ ट्रेन टू विल बी हाउ मच, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज 400, टाइम इज 4, दिस विल बी इन किलोमीटर पर आवर, सो दिस विल कम हाउ मच, 100 किलोमीटर पर आवर. सो नाउ द स्पीड ऑफ ट्रेन टू इज, वी हैव कैलकुलेटेड, एंड फ्रॉम हियर सी, इस चीज़ को अच्छे से समझना बेटा, स्पीड ऑफ ट्रेन टू ऑलरेडी हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ एक्स, कॉमन मल्टीपल. सो इक्वेटिंग बोथ द स्पीड्स, ना इक्वेट द स्पीड्स, ठीक है, ऑफ ट्रेन टू. जब आप ट्रेन टू की स्पीड्स को क्या करोगे, इक्वेट करोगे, सो वट विल हैपन, 8x will be equal to कितना जाएगा, 100, और x will be nothing but 100 upon 8. ये आया मेरा कॉमन मल्टीपल, आप इसे चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन what I have to find the speed of first train. So अब वो कॉमन मल्टीपल वाला लीजिए बेटा, ठीक है. सो द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन विल बी हाउ मच, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन या ट्रेन वन विल बी हाउ मच, s1 इज इक्वल टू 7x. सो 7x का मतलब क्या है, इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, 100 अपॉन 8, कैंसिल कर दो, 250 जा 2, 4 जा 225 जा एंड 22 जा, सो इट विल बी हाउ मच, 75 जा 35 कैरी 3, 72 जा 14, 15, 16, 17, 175 अपॉन 2, ओके, 175 अपॉन 2, एंड इफ यू विल सॉल्व इट, 175 अपॉन 2, इट इज़ इन किलोमीटर पर आवर. और इसको जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे, दिस विल गिव यू 2 8 16, सो s1 विल बी इज इक्वल टू 2 8, ओके, एंड 2 7 14.87.5 किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर. Very easy.